आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को रिवाइज कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको फेजर डायग्राम समझाऊंगा। एक बार किसी ने राधा से यह पूछ लिया था कि कृष्ण तो हर जगह है, कृष्ण कहां नहीं है? तो राधा ने कहा था एक जगह ऐसी है जहां पे कृष्ण नहीं है, और वो जगह है मेरी किस्मत, मतलब कि राधा की किस्मत। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कृष्ण भगवान है और ये हमारे पास राधा जी है, ये झूला झूल रहे हैं किसी टाइम के ऊपर। लेट हमने दो ऑब्जेक्ट से देख लिया, ये जो है ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये आगे की तरफ इस तरह से था। अब जब ये बच्चों आगे चलना चाहेगा उस टाइम पे ये कहां आ रहा होगा? पीछे। जब ये और पीछे जा रहा होगा तो ये वापिस आ रहा होगा। इस तरह की ये दो हमारे पास हैंड्स हैं, एक पहले से अगर इधर है, जब ये वाला हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो वाला कहां आ रहा होगा? नीचे। झूला ऐसे चलता है। तो ये जितना इनसे आगे पीछे या जितना इनमें डिफरेंस था ना, वो परमानेंट बना रहेगा। तो ये जो एंगल का डिफरेंस होता है, एक दूसरे से पीछे चल रहा है या आगे चल रहा है, उस एंगल के डिफरेंस को हम बोलते हैं फेज एंगल, या इस डिफरेंस को बोलते हैं फेजर डिफरेंस। माय डियर स्टूडेंट, 10th तक तो सिर्फ रजिस्टर ही अपने को पढ़ना था, अब हमारे पास आ गया कि हो सकता है सर्किट के अंदर कैपेसिटर भी लगाओ, हो सकता है इंडक्टर भी लगाओ, हो सकता है रजिस्टर लगाओ, इनमें से कोई दो लगे हो, या हो सकता है तीनों के तीनों सीरीज में लगे हो। अब कंफ्यूज नहीं होना, तीन तरह की चीजें अलग अलग आ चुकी हैं। सबसे पहली तो क्या, रेजिस्टेंस। ये रजिस्टर की वजह से रजिस्टेंस है। कैपेसिटर और इंडक्टर जो रजिस्टेंस देते हैं उनको रिएक्टेंस बोलते हैं। कैपेसिटर की रजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टर की रजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर कोई दो चीजें या तीनों चीजें इकट्ठी लगी हो उस टाइम पे नेट रेजिस्टेंस का नाम होता है इंपीडेंस। तीनों की यूनिट सेम होती है, रिएक्टेंस की, रेजिस्टेंस की और इंपीडेंस की। अभी इन सब के हम पूरी पूरी डेरिवेशन भी करेंगे। हमारे पास सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाना आता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए। यहां पे तीन डायग्राम है बच्चों, ये देखो, ये है सर्किट डायग्राम, ये है वेव डायग्राम और ये है फेजर डायग्राम। फेज मतलब एंगल को कहते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, यहां पर देखो, या तो तुम वोल्टेज बोल लो या ईएमएफ बोल लो, स्मॉल ई से लिखो कैपिटल ई से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बुक के अंदर अलग अलग होता है। और ये करंट है बच्चों, ये देखो वी फॉर वोल्टेज या ईएमएफ कहो तो करंट उसी के साथ साथ जा रहा है, तो हम कहेंगे कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है, जीरो फेज डिफरेंस है। या इधर देख लो, ये दोनों सेम डायग्राम है, ईएमएफ ऊपर है तो करंट भी कहां है? ऊपर। तो दोनों में एंगल कितने डिग्री का डिफरेंस है? जीरो का। तो हम कहेंगे इनमें फेज एंगल जीरो का डिफरेंस है। बट हम इसका प्रूफ करते हैं, फिर इसको समझते हैं। प्योरली रजिस्टिव सर्किट की बात करें, ये हमें पता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ये ईएमआई चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, जिसमें मेथड टू इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन था। दोनों साइड आर आर से डिवाइड कर दिया, आर से यहां भी डिवाइड किया, आर से यहां भी, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ईएमएफ के अपॉन में आर हो तो वो करंट बन जाता है। ये कहां से आया? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ था V इज इक्वल टू आई आर, तो आई क्या था? V बाय आर। अब आप वोल्टेज बोल लो या ईएमएफ बोल लो, एक ही बात है। तो ईएमएफ के अपॉन में आर क्या आ गया? करंट। मैक्सिमम ईएमएफ के अपॉन में रेजिस्टेंस आएगा तो यह आ जाएगा मैक्सिमम करंट। ये हमारे पास आ गया साइन ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी। बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन हमेशा याद रखनी है। ये राधा जी है, ये कृष्ण है, हमने इन दोनों को कंपेयर करना। इस केस में देखो, वो राधा ई थी तो करंट कह रहा है मैं भी आई था, राधा ई नोट थी तो ये कह रहा है हम भी आई नोट थे, राधा साइन का फंक्शन था तो ये कह रहा है कृष्ण कह रहे हैं हम भी साइन का फंक्शन है, राधा ओमेगा टी थी तो ये कह रहा है हम भी क्या है ओमेगा टी। दैट मीन दोनों सेम फेज के अंदर चल रहे। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब ईएमएफ मैक्सिमम थी तो ये भी मैक्सिमम था, वो जनरल था तो ये भी जनरल था, वो साइन का फंक्शन है ये भी साइन का फंक्शन है, और मेनली ये एंगल क्या है? सेम है। इट इज क्लियर दैट करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, करंट और वोल्टेज सेम फेज में, वही हमने यहां बनाया। बच्चों एक खास बात का ध्यान रखना, वोल्टेज हमेशा बड़ी बनाना। इसके दो रीजन है, एक तो वी इज इक्वल टू आई आर, देखो जो वोल्टेज है वो करंट के साथ कुछ मल्टीप्लाई होके बनती है, और दूसरा रीजन ये है कि पहले वोल्टेज आती है फिर करंट आता है, और तीसरा रीजन तो स्पिरिचुअल है, राधा कृष्ण के अंदर पहले राधा का नाम आता है और फिर कृष्ण का आता है। तो V या E ये आपको आगे बनाना है, हमेशा कृष्ण जी पीछे रहेंगे, तो ये सेम फेज के अंदर है। ये डायग्राम आपको सिलेबस में नहीं है, बनाना नहीं होता, लेकिन समझना पड़ेगा बच्चों। आप कोई भी अच्छा सा क्वेश्चन आ गया तो न्यूमेरिकल्स में आ सकता है। यहां देखो तो ये रेड वाली जो मैंने लाइन बनाई है ये ईएमएफ को दिखा रही है, मतलब राधा जी को दिखा रही है, और करंट वाली ग्रीन कलर से लाइन बनाई है, ये जो वेव बनाई है। बच्चों आप देखो, जब दोनों जीरो थे तो दोनों ही जीरो थे, जब मैक्सिमम थे दोनों ही मैक्सिमम थे, बस बात यह है कि ईएमएफ का मैक्सिमम थोड़ा ऊपर दिखाना है और करंट का मैक्सिमम उससे नीचे। फिर अगेन जब रेड वाला जीरो था तो ग्रीन भी कहां था? जीरो। ये ऐसे नहीं कि आपने कोई भी इधर से लिया ले भी डंग 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 ले भाई ऐसे नशे करके आए और फटाफट से ऐसे वेव बना दी, दो ऐसा नहीं करना, जैसे कि आपने यहां पर ये वेव बना दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें अपने को एंगल्स की फॉर्म में देखना, देखो जब दोनों जीरो होंगे
दोनों मैक्सिमम होंगे, फिर दोनों जीरो होंगे, फिर मैक्सिमम होंगे, फिर मैक्सिमम होंगे, फिर जीरो होंगे, तो इसमें सेम फेज में चल रहे हैं। ये पूरा एक्चुअली तीन डेरिवेशन का पूरा एक पैक है। एक डेरिवेशन समझ नहीं आएगा, सेकंड और थर्ड डेरिवेशन को और अच्छे समझते हैं। फेजर डायग्राम फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का मतलब होता है बस कैपेसिटर लगा हुआ है, इसकी कैपेसिटेंस सी होती है और इसमें इन वायर की भी रेजिस्टेंस नहीं है। इस तरह के सर्किट को बोलते हैं प्योरली कैपेसिटिव। बच्चों आप खुद समझो, अगर प्योरली कैपेसिटिव है तो जितनी एनर्जी हम लगा रहे होंगे ना, जो ईएमएफ हम दे रहे होंगे जो कि ई है, और जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है कैपेसिटर में, दोनों सेम होंगी, क्योंकि एनर्जी क्या है, नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितनी लगा रहे हैं उतनी खर्च तो होनी पड़ेगी ना, वायर की डिस्टेंस हम मान नहीं रहे, तो हम मान रहे हैं सारा का सारा कौन खा रहा है इस ईएमएफ को, वोल्टेज के इक्वल है, जितनी वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप हो रही है वही हमने दी है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप तो ये राधा जी की इक्वेशन लिखनी है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। सेकंड स्टेप है वोल्टेज और ईएमएफ इक्वल होंगी। ये यूनिट फर्स्ट में आपने पढ़ रखा है, कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू सी वी। इसको आप केशव से भी याद रख सकते हो, केशव से याद रखा हमने। तुम्हारे पास फर्स्ट राधा जी वाला स्टेप, ये दोनों इक्वल होते हैं, थर्ड ये केशव होता है, बस वी की जगह हमने ई पुट कर दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स तो यही खत्म होगी, अब मैथमेटिक्स शुरू हुआ है। अब अपने को ई का फॉर्मूला अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर हम ई का फॉर्मूला पुट करेंगे। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता है चार्ज का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ डी क्यू बाई डी टी, यही क्या बनता है करंट, ये आगे जाके करंट बन जाएगा। यहां भी हमने कर दिया इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ सी ई, सी बाहर आ जाएगा। ई को हमने लिख दिया ई नोट साइन ओमेगा टी, ई नोट बाहर आ गया क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू हमेशा एक ही रहती होती है। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हमने किया तो आ गया कोस ओमेगा टी, और ओमेगा भी बाहर आ गया। ये जो स्टेप है बच्चों थोड़ा सा सेंसिटिव स्टेप है। अब अगर यहां से हम देखें इस चीज को, इतनी चीज को हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं, वन के डिवाइड में, क्योंकि डिवाइड के डिवाइड में जो होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब इसको वापिस से सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। और कोस ओमेगा टी को हमने लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है। अब बात आती है आई इज इक्वल टू ई नोट वन बाय ओमेगा सी। बच्चों ई नोट के अपॉन में समथिंग जब भी हो, ईएमएफ के अपॉन में समथिंग हो, तो वो रेजिस्टेंस कहलाती है, और हमें पता है कैपेसिटर की रेजिस्टेंस, उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो ये जो वन बाय ओमेगा सी है ना, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, कैपेसिटर के द्वारा दी गई। उधर आई था तो आई लिखा, मैक्सिमम ईएमएफ के अपॉन में समथिंग है तो इसको अपन ने मैक्सिमम करंट लिखा, साइन पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, और हमने ये भी लिख दिया कि ये क्या है नीचे वाली चीज, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ना बोल के हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ध्यान से समझो बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन तो है राधा जी और सेकंड है कृष्ण जी। वो कह रहे हैं कि जब तुम ई थी तो हम आई थे, जब तुम ई नोट हो गई थी तो हम भी आई नोट हो गए थे, तुम जब साइन हो गई थी तो हम भी क्या हो गए थे, साइन, तुम जब ओमेगा टी हो गई थी तो हम बट ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू हो गए थे। तो इसके अंदर हम साफ देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन से कि जो करंट है वो 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इट इज क्लियर दैट करंट विल लीड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू। अब हम इसके वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम समझते हैं। सबसे पहले फेजर डायग्राम समझो, अगर ये वोल्टेज है तो इससे 90 डिग्री आगे पे ये करंट है, क्योंकि जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आगे बढ़ रहे होते हैं, या हम कहें ये वोल्टेज है तो इससे 90 डिग्री आगे पे क्या है, करंट। तो हमने क्या देखा, कैपेसिटर के केस में जो करंट है वो 90 डिग्री आगे चलता है, 90 डिग्री के फेज डिफरेंस से आगे चलता है। अब हम वेव डायग्राम देखते हैं बच्चों, जब आपने यहां पर जीरो पुट किया तो ये पूरी चीज जीरो होगी, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो ये पूरी चीज क्या होगी, जीरो, मतलब राधा जी जीरो होगी। अगर अब आपने यहां पे टाइम को जीरो पुट किया तो ये पूरी इतना ही जीरो हुआ, ये बचा रहा, मतलब और पाई बाय टू बचा रहा। साइन पाई बाय टू पे क्या होता है, मैक्सिमम, तो हमने देखा साइन पाई बाय टू पे मैक्सिमम हो गया, मतलब जब ईएमएफ हमारी जो रेड वाली लाइन है वो जीरो पे थी, तब तब ये कह रहा है कि भाई साहब मैं पाई बाय टू पे हूं, मैक्सिमम हूं। अब ये डायग्राम भी पूरा सोच समझ के बनाना, देखो यहां पे जो रेड वाला पार्ट है उसमें दो बातें हैं, एक तो वो हमेशा ही ग्रीन से ऊपर है, ये हम हमेशा ज्यादा दिखाने हैं। इधर भी देखो वोल्टेज वाली लाइन बड़ी थी और आई वाली कम थी, ऐसे ही यहां पे भी देखो वोल्टेज वाली जो लाइन थी वो बड़ी थी और आई वाली लाइन जो है वो कम थी। अब हमें इस फेजर डायग्राम को बहुत आराम से समझना, देखो जब वहां पे ईएमएफ मैक्सिमम होगी ना तो करंट मिनिमम हो गया, क्योंकि इनमें 90 का फेज डिफरेंस है। जब ईएमएफ अगेन जीरो आ गई तो ये अब अपोजिट साइड मैक्सिमम हो गया,
तो आप भी ये जब डायग्राम, ये जो वेव डायग्राम बनाओ, तो इसको एज ए डायग्राम नहीं बनाना कि बस फॉर्मेलिटी के लिए बनाना है, पूरे ग्राफ की तरह इसको बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेजर डायग्राम फॉर द प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब की बारी मार्केट में क्या आ गया बच्चों, इंडक्टर आ गया। इंडक्टर की इंडक्टेंस होती है एल, ये भी एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, वो पहले आप ध्यान से समझेंगे, उसके बाद वेव डायग्राम करेंगे, उसके बाद हम फेजर डायग्राम करेंगे। बच्चों ये देखो, ये हमेशा हमारी ओल्ड टाइम फर्स्ट इक्वेशन है, ये तो राधा जी है, हमें फाइनली सेकंड इक्वेशन में करंट फाइंड करना है। अब तक आपको इतना तो समझ आ गया कि हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अंदर बस रिलेशन देखने हैं। हमें ये पता है फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाय डी टी। हम जितनी ईएमएफ दे रहे हैं उतनी इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रही है, तो इसके अक्रॉस कितनी ड्रॉप हो रही है, ई इज इक्वल टू आ गया डी फाई बाय डी टी। फाई को हम क्या बोलते हैं, एल इंटू आई, इसको आप फ्लाई से भी याद रख सकते हो, फाई इज इक्वल टू एल आई फ्लाई, इससे भी इसको याद रख सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे एल आई आ गया, एल को हम बाहर ले आए, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, डी आई बाय डी टी। अगेन इस डी टी को वहां ले जाओ, तो हमारे पास आ जाएगा ई इंटू डी टी इज इक्वल टू एल इंटू डी आई। अब हम, हमें पता है कि डी आई तो ऑलरेडी है, अब डिफरेंशिएशन नहीं, इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ताकि डी आई से आई आ जाए। तो हमने लिख दिया ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, एल कॉन्स्टेंट है वो बाहर रहेगा, डी आई आ गया इंटीग्रेशन में, और इस साइड से ई को हमने लिख दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा होता है, नेगेटिव का मतलब साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इस एल को हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास करंट आ गया। यहां पे कोस ओमेगा टी को मैंने लिखा साइन 90 माइनस ओमेगा टी, पहले वाले में लिखा था 90 प्लस थीटा, अब हमने लिखा 90 दोनों ही लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा भी और साइन 90 माइनस थीटा भी। इसमें हम 90 माइनस थीटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बच्चों देखो, जब करंट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा बट ईएमएफ में नहीं है, तो ये नेगेटिव साइन तो हम अंदर लेके जाएंगे ना, तो अंदर ये तो बन जाएगा नेगेटिव का और ये बन जाएगा प्लस का। देखो ओमेगा टी प्लस का बन गया और पाई बाय 2 माइनस का। अब ये हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई, आई इज इक्वल टू आई नॉट, इतनी चीज को आई नॉट लिखा, मैक्सिमम करंट। अब ये जो ओमेगा एल है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा होगा, अभी हम फेज की बात तो करेंगे, पहले ओमेगा एल की बात कर लो। ओमेगा एल को एक्स एल बोलते हैं, ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब कि इंडक्टर के द्वारा प्रदान की गई रेजिस्टेंस। अब हम यहां पे खेल समझते हैं, देखो वो कह रहे हैं कि जब तुम ई थी तो हम क्या थे, आई, जब तुम ई नोट हो गई तो राधा हम भी क्या हो गए, आई नोट, तुम साइन का फंक्शन थी तो हम भी क्या थे, साइन का फंक्शन, तुम ओमेगा टी थी तो लेकिन हम तुम्हारे चक्रों में माइनस के पाई बाय टू और हो गए, तो इसके अंदर फेज डिफरेंस आ गया। अब करंट 90 डिग्री से पीछे चल रहा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, करंट लैग कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू, ये तो हमारा फेजर डायग्राम है। और ईएमएफ के पॉन में समथिंग को हम रेजिस्टेंस बोलते थे, वो मैं बता चुका हूं। अब आप देखो वोल्टेज आगे चल रही है, 90 डिग्री आगे चल रही है, करंट कहां चल रहा है, पीछे चल रहा है। ऐसे ही बच्चों अब हम इसमें देखो, ये साइड बड़ा है, राधा जी हमेशा बड़ी लाइन से दिखानी है, छोटी लाइन है। ऐसे इसके अंदर देखो जो ग्रीन वाली है लाइन, वो करंट को दिखा रही है, ग्रीन वाली आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को, और ये ईएमएफ को दिखा रही है। बच्चों यहां पे ओमेगा टी लिखने की बजाय साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू लिख लो तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने फाइनली इस इक्वेशन के लिए ये वेव बनाई है। अब आप ध्यान से देखो, जब ये जीरो थी, टाइम जीरो था तो ई कितना हो गया, जीरो, लेकिन जब यहां टाइम जीरो हुआ तो करंट माइनस का मैक्सिमम हो गया, देखो यहां मैक्सिमम दिखा रखे। अब इस वेव को आगे बना देना, बस ये ध्यान रखना जब ये मैक्सिमम है ग्रीन क्या है, जीरो मिनिमम, जब ब्लू मिनिमम है तो ग्रीन क्या है, मैक्सिमम। तो ये इस तरह से वेव बन जाएगी, जहां पर भी ब्लू वाली लाइन मैक्सिमम होगी वहां पे ये जीरो होगा, जहां ग्रीन मैक्सिमम होगा वहां पे ईएमएफ क्या होगी, जीरो। ऐसे आगे तक बना सकते हैं। ये आ गया फेजर डायग्राम फॉर द प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब बच्चों ऐसा आता है कोई भी दो लगे हो या कोई भी तीन चीजें इकट्ठी लगी हो, मैं इन सबका एक कॉम्बिनेशन बता देता हूं फाइनल जनरल आंसर, उसके बाद आप तुम किसी भी चीज को हटा के ऐड करके इस फॉर्मूले से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ सीख जाओगे, ये जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, ये रामबान आ जाएगा। पहले ये समझो हमारे टॉपिक का नाम है सीरीज एलसीआर सर्किट। बच्चों ये एल है इंडक्टर, सी है कैपेसिटर, आर है रेजिस्टर। आपने देखा था फर्स्ट केस में वोल्टेज जो रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होती है और जो करंट है दोनों सेम फेज में रहते थे, तो इसमें मैंने सेम लाइन से बना रखा है। कैपेसिटर के केस में करंट आगे चलता था तो आगे बना दिया, वोल्टेज कहां बना दी, पीछे। और इंडक्टर के केस के अंदर जो करंट है वो पीछे चलता था और वोल्टेज आगे चलती थी,
इसको मैंने बताया था एली आइस से भी तुम याद कर सकते हो, एली आइस। देखो कैपेसिटर केस में करंट 90 डिग्री आगे है और ईएमएफ या वोल्टेज पीछे है, और इंडक्टर केस में ईएमएफ आगे है या वोल्टेज आगे है और करंट का है बाद में आता है, मतलब करंट पीछे है वोल्टेज आगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये आगे माना जाएगा। अब इन तीनों डायग्राम को मैंने वहां बना दिया, देखो ये फर्स्ट वाला ये बना दिया, आई से 90 डिग्री नीचे की तरफ वीसी था और ऊपर वीएल था, देखो ऊपर वीएल था, ये बना दिया। अब इसका जो है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं है, मतलब डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं आएगी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, तो ये ग्राफ से हम समझेंगे। ये वीसी ऊपर जाके क्या बन जाएगा, वीएल माइनस वीसी। अब हमारे पास करंट तो सीरीज में सेम चलता है, करंट तो रिजल्टेंट निकालना नहीं, इनका रिजल्टेंट ईएमएफ निकाल लेते हैं जो इनके बीच में कहीं आ जाएगी, जिसको हम ई नेट से दिखा देते हैं। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये जो ई नेट है ये हम पाइथागोरस से निकाल पाएंगे। पाइथागोरस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, ईएमएफ नेट है तो ये क्या होगी, करंट नेट इनटू में नेट रेजिस्टेंस। जब तीनों चीजें लगी हो, नेट रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। तो जेड यहां पर क्या है, इंपीडेंस। हम सारी चीजों को ओपन करते हैं, वोल्टेज होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो हमने करंट इनटू रेजिस्टेंस लिख दिया। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, करंट इनटू इंडक्टर की रेजिस्टेंस, जिसको हम एक्सएल से लिखते थे, उसको बोलते क्या थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसी वीसी क्या है, करंट इनटू कैपेसिटर की रेजिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते थे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हमने सबको वोल्टेज को करंट इनटू रेजिस्टेंस की टर्म में लिख दिया। अब हमें पता है करंट के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहां 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 कुछ भी, हम मैक्सिमम के लिए देख लेते हैं। हमने यहां भी मैक्सिमम लिख दिया, यहां भी मैक्सिमम, यहां भी मैक्सिमम, यहां भी मैक्सिमम, मतलब नोट 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 लगा दिया। अब यहां से आई स्क्वायर और इस ब्रैकेट से भी ऊपर स्क्वायर, देखो दोनों में आई स्क्वायर बाहर आके इधर आई बाहर आ जाएगा, या आई नोट बाहर आ जाएगा, आई नोट से आई नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जेड का जो फॉर्मूला है, ये हमारे पास जनरल रामबाण फॉर्मूला आ गया। अगर अब खाली कैपेसिटर लगा हुआ है तो इन दोनों को जीरो रख दो, आर और एक्सएल को। अगर इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं तो आर को जीरो कर दो, अगर आर और एक्सएल लगा हो तो एक्सी को जीरो कर दो। इससे आप कोई भी फॉर्मूला आगे बना सकोगे। बस एक्सएल को मैंने और एक्सप्लेन कर दिया, एक्सएल को ओमेगा एल भी बोलते हैं और एक्सी को हम 1/ωc बोलते हैं। ये सेम चीजें हैं, बस इनके मैंने फॉर्मूले लिख दिए। जेड यहां पे है इंपीडेंस। बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक बच गया, वो है रेजोनेंस कंडीशन। बच्चों रेजोनेंस कंडीशन उसको बोलते हैं जब कोई चीज या करंट, हम कहें इसके जनरली करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम, तब हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी में रेजोनेंस कंडीशन आ गई। करंट मैक्सिमम होने का मतलब नेट रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं इंपीडेंस, ये क्या होनी चाहिए, मिनिमम। ये इंपीडेंस का फॉर्मूला है मेरे बाजीगरों, इंपीडेंस मिनिमम कब होगी, जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएं, इक्वल। क्योंकि इनमें से कोई भी चीज बढ़ी रही, चाहे एक्सएल या एक्सी, चाहे प्लस वाला या माइनस वाला, स्केयर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा। हम चाहते हैं कुछ ना ऐड हो तो इसको इक्वल रख दो, तो हम कहेंगे दिस जेड विल बी मिनिमम व्हेन एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएंगे, इक्वल। एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ωc। ये ओमेगा ऊपर जाके ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/√LC। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर था तो इस साइड हमने रूट ले लिया 1/√LC। यहां पर इसको ओमेगा आर को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा, इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या ज्यादा अच्छा वर्ड है रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब आ जाओ बच्चों यहां पर, हमें पता है जो ओमेगा होता है ये होता है एंगल अपॉन टाइम, इसको 2π/T बोलते हैं, और 1/T को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखो एंगल मैक्सिमम 2π होता है और मैक्सिमम टाइम को टी बोलेंगे, 1/T को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। हमारे पास 2π इनटू फ्रीक्वेंसी आ गया 1/√LC, तो खाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1/2π डिवाइड में चल जाएगा 2π√LC, इसको लीनियर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हमने जो जनरल हमारा फेजर डायग्राम आ गया था वो ये आ गया था, जो फाई है वो एंगल है ई नेट और आई के बीच में, टेंजेंट फाई देखोगे तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर होगा वीएल माइनस वीसी डिवाइड में बेस क्या होगा ये वाला, मतलब दिस साइड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को टेंजेंट बोलते हैं, तो टेंजेंट फाई ये आ गया। अगर करंट की फॉर्म में लिखूंगा, ये करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये भी करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट करंट कट जाएगा तो ये बन जाएगा एक्सएल, ये बन जाएगा एक्सी और ये बन जाएगा आर। ऐसे यहां से कोस फाई निकालना चाहो, कोस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है वीआर और हाइपोटेन्यूज क्या है ई नेट, VR होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस और E नेट होगा करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस को Z से लिखते हैं, I से I कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा cos phi = R/Z। एक और टॉपिक है बच्चों जो कि
पैरेलल एलसीआर सर्किट है, हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं आपको उसका फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूं, ऐसे कैसे आप याद भी कर सकते हो। अगर हमारे पास पैरेलल एलसीआर सर्किट आ जाए, मैंने यहां पे वैसे डेरिवेशन लिख दी, आप खुद से समझ करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन फाइनल फॉर्मूला क्या है, जैसे हमारे पास जेड का फॉर्मूला था, जेड इज इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। बस पैरेलल का केस आ जाएगा ना तो वन के डिवाइड में कर देना है, मतलब इनका सदा ही प्रोकल वन बाय जेड वन बाय आर स्क्वायर, और यहां फर्क रखना है, यहां एक्स एल पहले था तो वहां एक्स ही पहले आएगा, बस बाकी वन वन के डिवाइड में करना है, बहुत सिंपल सी बात है। होप सो बच्चों आपको ये डेरिवेशन समझ आ गई होंगी। आने वाले टॉपिक्स के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक जो डेफिनेशन बच गई है वो कराऊंगा और उसके साथ में एक ब्लेसिंग्स कराऊंगा। ब्लेसिंग्स के अंदर ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगर हम इस यूनिट के अंदर ये 23 क्वेश्चंस कर लेंगे, जो कि मैं आपको एक ही क्वेश्चन के माध्यम से समझा दूंगा, इस डायग्राम से मैं सारे क्वेश्चन समझा दूंगा, तो आप बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाओगे। वो कहते हैं ना कि किसी के हाथ में हीरा, किसी के गाल में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, मुझे क्या गर्ज हीरों से, मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स हैं हीरा। थैंक यू सो मच।